अजमेर विकास प्राधिकरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए टिकट सिंबल में फेरबदल का आरोप लगाते हुए सिंबल लिस्ट जारी करने की मांग की। इसी तरह से बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस प्रशासन की मिलीभगत से कई फेरबदल कर रही है। नगर निगम के वार्ड संख्या 64 से कांग्रेस कार्यकर्ता विष्णु कुमार ने बताया कि उनकी चाची इंदिरा देवी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और वह परिवार कांग्रेस के लिए हमेशा से ही काम करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी देर रात को सिंबल में परिवर्तन किया गया और उनका सिंबल हटाकर अन्य किसी महिला को दे दिया गया। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी रोष है और सभी ने चुनाव निरस्त करने के साथ ही कांग्रेस पर प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाया है। वार्ड नंबर 64 से मेरी चाची जी इंदिरा देवी ने नामांकन दाखिल किया था पार्षद पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस से। वहाँ से मेरे पास सूचना थी कि मेरे नाम का सिंबल आया है, यहाँ पर आया है सूचना सिंबल, लेकिन इस सिंबल को प्रशासन ने और यहाँ के स्थानीय नेताओं ने मिलकर फ्लूड लगा के उसको चेंज किया और किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दिया है। मेरे सिंबल को इन्होंने काटा है और कलेक्टर साहब ने अभी मेरे को सिंबल नहीं दिखाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो CCTV फुटेज है इस ऑफिस की या कलेक्ट्रेट की, वो आप मंगा के देखें। ये रात को 2 बजे तक ऑफिस खुला था, क्यों खुला था ये रात को 2 बजे तक ऑफिस? गड़बड़ी चल रही है, यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है। इन लोगों की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। क्या मांग कर रहे हैं बाबू? मैं ये मांग कर रहा हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कलेक्टर साहब अभी चाहें तो मीडिया के सामने उस सिंबल को दिखाएं या नहीं तो इस चुनाव को रोकें। हाँ, इसमें फेरबदल हो रहा है, इस चुनाव को रोकें। आपका नाम बताएं? मेरा नाम विष्णु भाटी है, मेरी चाची जी है इंदिरा देवी, वो यहाँ से वार्ड 64 से पार्षद पद की दावेदारी की है उन्होंने और वो लड़ रही हैं। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अंदर उत्तर बैक के अंदर सचिव।